हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर पॉलीनोमियल्स चैप्टर को मोस्ट फेवरेट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि आप पहले कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और जो जो बता रहे हैं वो लिखते चलिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। हम ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका पॉलीनोमियल्स का। तो ये सारे की पॉइंट्स है, ये सारे टॉपिक हम पॉलीनोमियल चैप्टर में कवर करेंगे। पहले तो हम बताएंगे डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद बताएंगे एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, कौन सा पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है। उसके बाद बताएंगे डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं पी ओ एल वाई और प्रीफिक्स में एन लिखा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, देखिए पॉलीनोमियल्स का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, डिग्री और डिग्री से एक एक टाइप होता है और टर्म के हिसाब से एक टाइप होता है, वो हम बाद में बताएंगे, आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तब भी हम डिटेल में बताएंगे आपको। और ग्राफ से पॉलीनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ये न्यू टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछता है। आप उसके बाद बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज है उसका फुल सॉल्यूशन बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे प्रीवियस ईयर जो बोर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो जो एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो शॉर्टकट विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप कर दोगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो जो बताएंगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे स्टूडेंट, एकदम बहुत अच्छा से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो जो बता रहे हैं आप सिर्फ काम करिए, लिखते चलिए। देखिए पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन जानने के लिए आपको पहले एक नंबर के बारे में बता देते। तो देखिए होल नंबर्स किसको कहते हैं और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, आप तो जानते ही है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको होते हैं नेचुरल नंबर। गिनने के लिए जो जो नंबर यूज़ होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब नेचुरल नंबर तो होल नंबर्स होगा ही और उसके साथ जीरो भी होल नंबर है। देखिए बेटा ये दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर मे नॉट बी नेचुरल नंबर। क्यों, देखिए जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, बट बाकी जो 1, 2, 3, 4, 5 ये होल नंबर भी है नेचुरल नंबर भी है। देखिए कैसे आप याद रखेंगे, होल का स्पेलिंग देखिए ओ है तो ओ तो जीरो के तरह देखने में है ना, होल का स्पेलिंग है ओ है तो होल नंबर पे जीरो रहेगा, ये इतना याद रखिए। अब नेचुरल नंबर का स्पेलिंग में तो जीरो नहीं है, ओ नहीं है, तो नेचुरल जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इतना याद रखिए। ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। होल नंबर्स किसको बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। तो होल नंबर हमने सीख गए। पॉलीनोमियल का डेफिनेशन जानने के पहले आपको और भी कुछ कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, वो है वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर है। देखिए हमने डेफिनेशन लिख दिया है, वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल डिनोट करते हैं इंग्लिश में, देखिए 26 लेटर है, ए बी सी डी करके 26 अल्फ़ाबेट्स है ना, उसमें जो लास्ट 7 letters TUVWXYZ इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, मतलब ये लेटर को वेरिएबल डिनोट करते हैं। देखिए ना आपका मौसम, मौसम तो बार बार तो चेंज होता है, अभी 20 degree centigrade टेम्परेचर, उसके बाद 2 मिनट बाद 19 point something degree हो जाता है, उसके बाद 35 degree, एक दिन में टेम्परेचर ऑल टाइम चेंज होता है ना बेटा, ये एक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ओके आपका स्कूल में अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या होता है, रेगुलर तो फिक्स नहीं रहता है ना। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, तो वो जो स्कूल में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर फिक्स नहीं है, चेंज होता है अटेंडेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट कितना है, एबसेंट कितना है, वो तो रेगुलर चेंज होता है, इसीलिए वो वेरिएबल्स हो जाता है, वो है एग्जाम्पल्स। अब कॉन्स्टेंट मतलब
जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे टू का वैल्यू क्या होता है, टू ही होता है। फाइव का वैल्यू क्या होता है, फाइव ही होता है। माइनस फाइव का वैल्यू क्या होता है, माइनस फाइव ही होता है। तो वो सारे कॉन्स्टेंट होता है। तो विदाउट वेरिएबल्स ऑल आर, आप लिख के रखिए, विदाउट वेरिएबल्स ऑल आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। वेरिएबल छोड़ के जो जो है इस दुनिया में सब कुछ कॉन्स्टेंट है। तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको छोड़ के इस दुनिया में जितना है वो सारे कॉन्स्टेंट है। और एक क्या लिखा है, थीटा, ये सिंबल का नाम है थीटा। थीटा देखिए जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल का एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ये इसको बोलते हैं, ये एक लेटर है तो इसको थीटा बोलते हैं, ये बाद में सीखेंगे। तो ये वेरिएबल का नोटेशन है, इसको बोलते जहाँ जहाँ पे ये देखेंगे ना तब तुरंत बताएंगे वेरिएबल। और कोई भी नंबर 1, 2, 3 या फिर 0, -√3, ये कोई भी नंबर देखिए, 11/2, हाँ 11√3, कुछ भी 1.7779, ये सारे होता है कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है ना बेटा। आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वेरिएबल, ये सेवन लेटर्स को छोड़ के सब कुछ होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है, सब कुछ होता है कॉन्स्टेंट। आई होप आपको समझ में आया। देखिए हम कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x-7, यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट है देखिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट ए है, 3 है और -7 है, 7 है, ठीक है ना। और वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है कि नहीं, एक्स वाई प्लस 7। यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है, क्या वेरिएबल है, देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और प्लस 7 इज कॉन्स्टेंट हेयर। तो आई होप आपको समझ में आया कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पे। देखिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। समझिए बेटा, पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल इज एन एलजेब्रिक, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पॉलिनोमियल इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल रहेगा, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है और एक्स दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं। अब इसके साथ और भी एक कंडीशन है, बोले कि यहाँ पे जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे बेटा। जैसे हम एक्स प्लस वन में इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्यों, यहाँ पे एक कंडीशन है। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, बोले कि यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा ना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, उस टाइप का एक्सप्रेशन को बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझिए, फिर से बताएंगे, धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए बोले कि हर एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, बोले कि कब बोलेंगे, अगर कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल रहता है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है ना, उसका पावर क्या है, टू। तो टू इज एन होल नंबर ना, टू इज ए होल नंबर। यहाँ पे एक्स, एक यहाँ पे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे और एक वेरिएबल क्या है, एक्स ही है, एक्स का पावर क्या है, वन, तो वन इज होल नंबर, है कि नहीं। तो और कॉन्स्टेंट देखिए, यहाँ पे ए बी सी आर कॉन्स्टेंट और एक सी जे वेरिएबल, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का, और वेरिएबल का पावर क्या हो गया, होल नंबर। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, देखिए बेटा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स टू दी पर वन बाई एक्स, मतलब एक्स टू दी पर माइनस वन होता है ना, वन बाई एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स टू दी पर माइनस वन। यहाँ पे एक्स का पावर क्या आया, वन, और यहाँ पे x का पावर क्या आया, माइनस वन। यहाँ पे x का पावर होल नंबर आया, बट माइनस वन तो होल नंबर नहीं है। तो अभी बताया कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही और उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, बट माइनस वन इज नॉट
ए होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए और भी एक्सप्रेशन लिख के आपको समझा देंगे। यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ऑफकोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, ए बी सी डी, अभी बताया कांस्टेंट ए बी सी डी होता है, और इसका एक वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का पावर देखो यहाँ पे थ्री इज होल नंबर, टू इज होल नंबर, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मीन्स वन है, तो वन इज होल नंबर, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। जैसे और भी देखिए लिखते, टू एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स, बताइए तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी तो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, टू है और माइनस सेवन है, यहाँ पे साइन भी लेना है, माइनस सेवन है, टू एंड माइनस सेवन आर कांस्टेंट, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स दिखाई दे रहा है, उसका पावर देखो थ्री है होल नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स वन है, वन भी होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब आते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, नॉन एग्जाम्पल्स है पॉलिनोमियल्स का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आप सिर्फ ब्रेन में ये रखिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसमें कुछ कुछ वेरिएबल्स रहेगा, कुछ कुछ कांस्टेंट रहेगा, और वेरिएबल जो रहेगा ना उसका पावर हो जाएगा होल नंबर, अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इतना याद रखिए, बस आपका काम खत्म। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, ये डब्ल्यू ओ टी एफ मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके शॉर्टकट नेम, यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। 2020 में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है, टू मार्क्स का, तो आपको डीपली सीखना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, आपको बताया कि ये सारे देखिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सारे क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता नहीं, अभी बताया। तो पॉलिनोमियल्स कब होगी, कि अगर वेरिएबल जो रहता है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, तो पावर पावर देखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, एक्स है, एक्स है हर जगह पे, उसका पावर देखो माइनस थ्री है ना, ये होल नंबर है क्या, नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तुरंत देख के बता देंगे पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर क्या है, आप तो जानते ही है, रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स टू द पावर वन बाई टू, एक्स का एक्स पावर वन बाई टू, तो रूट एक्स को तोड़ेंगे तो एक्स पावर हाफ मिलेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे करके लिखेंगे तो एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस फाइव, तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या, वेरिएबल का पावर हाफ, हाफ क्या होल नंबर है, नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आप बताइए ये क्या पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स का पावर देखो, ऑफकोर्स वन इज होल नंबर, वन तो होल नंबर है, ये तो होल नंबर है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, तो थ्री नंबर पॉलिनोमियल हो चुका है। आप फोर नंबर देखिए, आप तो पूछ ही सकते हैं कि सर आपने तो बोला है कि पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये साम्स में कांस्टेंट कुछ नहीं मीन्स वन तो है ही, आप यहाँ पे प्लस जीरो भी तो लिख सकते हो, जीरो इज कांस्टेंट, वन इज कांस्टेंट, ओके कुछ नहीं मीन्स वन तो है ही, ओके तो देखिए यहाँ पे क्या ये वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल का पावर देखो सेवन, सेवन इज होल नंबर, तो दिस इज पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक्स का पावर देखो फाइव नंबर पे, एक्स का पावर देखो ये फाइव बाई टू क्या होल नंबर है, नहीं है, वन बाई सेवन भी होल नंबर नहीं है, ये सब होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो सिक्स नंबर देखो, एक्स का पावर देखो फोर थ्री टू, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स वन है, और वन को आप एक्स टू दी पास जीरो लिख सकते हो, देखो वन को आप एक्स टू दीपा जीरो, एक्स टू दीपा जीरो मतलब क्या होता है वन, तो ये सारे होल नंबर है, जीरो इज होल नंबर, वन इज होल नंबर, ये सारे होल नंबर, एक्स का पावर जा सारे वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। ओके तो जो जो देखिए टिक लगवाया, जैसे थ्री नंबर फोर नंबर और सिक्स नंबर आर पॉलिनोमियल, बाकी सब पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिखाई, देखिए थ्री फोर और सिक्स में क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड टी यू वी थीटा में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप का पॉलिनोमियल को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब वेरिएबल एक्स से है ना, देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक्स ही है, इसीलिए बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। तो दूसरा आप बोलेंगे तो दूसरा वेरिएबल का क्या पॉलिनोमियल होता नहीं है, ऑफकोर्स होता है, जैसे हम और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले तो आप देखिए
इसी में कौन सा पॉलीनोमियल है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस वन है, तो वन माइनस टेन फाइव और कांस्टेंट, और जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वाई है, तो वाई का पावर देखो 7 6 5, ये सारे होल नंबर है, तो दिस इज ए पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल वाई दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉलीनोमियल इन वाई, पॉलीनोमियल इन वाई बोलेंगे, ये शॉर्टकट नेम है पॉलीनोमियल का। यहाँ पे क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है, टी, टी का पावर क्या है, 10, 10 इज होल नंबर, दिस इज ऑल्सो ए पॉलीनोमियल, तो इसको बोलेंगे पॉलीनोमियल इन टी, क्योंकि वेरिएबल टी का है, टी का एक्सप्रेशन है, तो पॉलीनोमियल इन टी बोलेंगे। तो जेड टू दावर 2020, ये क्या पॉलीनोमियल है, ऑफकोर्स है, ये इसको बोलेंगे पॉलीनोमियल इन जेड, पॉलीनोमियल इन जेड बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या पॉलीनोमियल है, ये क्या पॉलीनोमियल है, ऑफकोर्स है, क्योंकि पावर देखो होल नंबर, 2020 भी तो होल नंबर था, तो ये भी पॉलीनोमियल है, इसको बोलेंगे पॉलीनोमियल इन यू, वेरिएबल यू। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू, ये भी पॉलीनोमियल है, सो दिस इज पॉलीनोमियल इन डब्ल्यू। बताओ ये क्या पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जेड के पावर में क्या है, रूट जेड को आप लिख सकते हो 1/2, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर हुआ नहीं, 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल इन जेड कैसे बोलेंगे, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन जेड ये बोल सकते हो, बट दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल इन जेड। ओके, तो आप देखिए, आप लिखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। अच्छा आप बताइए तो यहाँ पे कौन सा पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है, आप पहले सोचिए, उसके बाद हम आंसर बता देते हैं। 13 14 15 16, 17, अच्छे से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा पॉलीनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो आप आंसर बता देते। हमेशा याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में एक्स प्रेजेंट रहता है या फिर कोई भी वेरिएबल दिखेगा, तो वो पॉलीनोमियल कभी नहीं होगा। मतलब हम बोलना चाहते हैं, ऊपर में कुछ है समथिंग, और नीचे कुछ है। ये देखिए, ये ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर, है कि नहीं? तो ये डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वेरिएबल रहेगा, वो कभी पॉलीनोमियल होगा ही नहीं। 13 नंबर पे देखिए, डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल। अब 15 नंबर देखिए, 14 बाद में आते हैं, 15 नंबर देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखाई दे रहा है ना, ये भी पॉलीनोमियल है नहीं, और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये पॉलीनोमियल है, क्यों, यहाँ पे भी एक्स का पावर देखो होल नंबर है 1। अच्छा बताओ तो ये 17 नंबर पॉलीनोमियल है कि नहीं, ये पॉलीनोमियल नहीं है बेटा, क्योंकि आप तो जानते ही, एक फॉर्मूला रूट अंडर ए बी क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, तो ये 17 नंबर को √3x को आप लिख सकते हो, ये रूट के अंदर है, अंडर √3x है, तो √√3x मतलब √3 × √x लिख सकते हो, ये एग्जाम में आया था 2020 बोर्ड में, इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो एक्स टू दी पर हाफ, तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, होल नंबर नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल। तो सेम वे में आप बताइए तो यहाँ पे कौन सा पॉलीनोमियल है, कौन सा नहीं है। बेटा आपको लास्ट वाला लॉजिक लगा दीजिए, बस आपको आंसर आ जाएगा, कि डिनोमिनेटर में समथिंग बाई समथिंग, वो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में एक्स रहने से तो पॉलीनोमियल होता नहीं। यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है, तो ये पॉलीनोमियल नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी एक वेरिएबल है, ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। यहाँ पे ये तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, बट यहाँ पे जो एक वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर है, तो ये पॉलीनोमियल है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए एक वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये पॉलीनोमियल है ही नहीं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल प्रेजेंट है, ये भी पॉलीनोमियल है ही नहीं। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एन क्या बोल दिया, कि एन कोई भी होल नंबर, बोला कि एन कुछ भी होल नंबर रखिए, ये हमेशा ये एक पॉलीनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली 24 में देखिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, पॉलीनोमियल है नहीं। यहाँ पे भी वेरिएबल है, ये भी पॉलीनोमियल है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 20 नंबर और 23 नंबर पॉलीनोमियल है, बाकी सब पॉलीनोमियल है नहीं। स्टूडेंट, अभी तक हम लोग जितना पॉलीनोमियल्स पढ़ चुके हैं, वो सारे वन वेरिएबल पॉलीनोमियल था, या फिर दूसरा नेम है सिंगल वेरिएबल, वन मतलब सिंगल होता है, तो सिंगल वेरिएबल पॉलीनोमियल, मतलब जो जो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। जैसे देखिए,
टू वाई प्लस थ्री, इसमें एक ही वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल इन वाई। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन यू, तो दिस इज ऑल्सो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल इन टी, सो दिस इज ऑल्सो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल इन एक्स है। तो देखिए बेटा, तो आप तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, क्या टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होता नहीं है या फिर थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होता नहीं है? ऑफकोर्स होता है, बट बेटा सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस में सिर्फ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल ही है। ओके, तो हम सिर्फ आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए आपको एक दो एग्जाम्पल देते हैं जो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। देखिए टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल, जैसे एक्स वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो ये एक टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री थ्री एक्स, ये भी एक टू वेरिएबल पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल का पावर, देखिए होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ये वेरिएबल का पावर देखो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये देखिए और एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ये एक थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है जिसका पावर देखो होल नंबर है, एक्स वाई जेड का पावर देखो होल नंबर है, सब होल नंबर है। तो यह थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसको ऐसे भी बोलते हैं मल्टी वेरिएबल, मल्टी मतलब मोर देन वन। ओके, ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल का दूसरा नाम है मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल, मल्टी मतलब जो एक से ज़्यादा होता है। ओके, तो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल, ऐसे एनथ वेरिएबल पॉलिनोमियल होता है, ऐसे बहुत हंड्रेड वेरिएबल पॉलिनोमियल होता है। ओके, बट सिलेबस में आपका वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीख चुके हैं स्टूडेंट, होल नंबर का डेफिनेशन, वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट किसको कहते हैं, कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल्स देखे हैं, नॉन एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होता है डिग्री के ऊपर डिपेंड करके, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक कर लीजिए। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।